किसको पार्ट याद नहीं हुआ? सेकंड क्रोध मत करो, तीसरा युधिष्ठिर, लिखो थर्ड गुरु द्रोणाचार्य। कौन सा पाठ पढ़ाया? क्रोध मत करो, ये लिख रहा क्रोध मत करो। सब पढ़ाते पढ़ाते तो मैं ही पढ़ रही, पढ़ लू ही सही है। बाल को जब पढ़ावे एक बार और पढ़ना पड़ा है। अब जो मुझे गुरु मैं चक्कर आ गया है, पढ़ लेगी आज, कर देगी भैया। डन कर देगी? नो। ठीक है, पर पढ़ पढ़ पढ़। मानिए तो मैं कोई सकूं, मैं चक्कर आ गई है। ना मैं ठीक है बेटे। तुम सांझ को भी खाई हो, मेरे तो यही काम आ जाएगी। हमें जरूरत नहीं भाई रोटी खाने की। भिखारी तो सही मांगते फिर सब। मैं मांगू आप बोलो पैसे दे दे, ये दे दे, वो दे दे। मैं सब तो बुरा बुरा हाल है मूतड़े का। सबसे बेकार काम है वो। अब मुतर दाऊंगी फिर काटूंगी पजामा। भूख लग गया आपको? नरोर मिर्ची खाऊंगी। उसके साथ सेब हमें भी खिला दो। सेब बच्चे नहीं खाते सेब। अरे लेख यो काम सही है, वहां भी बैठ कर खा सको उस पर मशीन पर। हमें चक्कर क्यों आ गया? चक्कर क्यों आ गया? मैं चॉकलेट खाई इसकी, इन्हें मुंह में ठूस दी। चॉकलेट खानी बंद है आपके। तो तोड़ूंगी मैं। नमक मिर्च कौन खा रहा है? नो नमक गेरूंगी। ची 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 एप्पल के अंदर मिर्च लगा दी। ची 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 मैं मेरी बुआ मेरी खतर है नी हमेशा सेब लगाता था। मैं रोटी के साथ सेब खाऊं, सेब और वो के केला आम खीरा कर देगा तीनों दे। अब तो बताऊं सब तो पैर पर वो खींच ले लग रहे था। और पाठ कल याद करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन अगले दिन युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं था। गुरुजी जो गुरु द्रोणा को क्रोध आया और आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार दो तीन दिन निकल गए, युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। अच्छा यो युधिष्ठिर है ये गुरु जी के नाम थे गुरु जी का? द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य किस पर डंडे पर से गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म ये बंदे बोलते ना सबको अर्जुन होता है किसान होता और किसान तो क्या भगवान था जब तो किसान इन दोनों को इन दोनों के साल के रे पैर मैं तो मैं निपटाऊं पहले मैं बोला थारे साल के रे इन्हें तो नहीं बैठी देंगे हम। गुरु जी ने सिस्टर को क्या आशीर्वाद दिया? देख लिया मैंने को इन्हें मैं ध्यान दिया कर किताब में ध्यान दिया कर पिटाई को सहन कर करते रहे जिससे बहुत आराम से पिटा। जब काफी देर हो गई क्रोध नहीं आया तो युधिष्ठिर ने बड़े शांत भाव से कहा हाँ गुरुजी
आप पाठ याद हो गया क्यों अब कैसे पाठ याद हो गया? गुरु द्रोण ने कहा, गुरुदेव आप मुझ पर डंडे बरसा रहे थे और मैं प्रयत्न कर रहा था कि मुझे क्रोध आए और अब अंत में मैं अपने क्रोध पर काबू पाने में सफल हो गया, मुझे पाठ याद हो गया। हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरु द्रोण भोचक के रह गए, अचंभा हो गया। अचंभा बोलने वाले हाथ से डंडा छूट गया, सारा क्रोध सुमंतर हो गया और आंखों में प्रेम से आंसू छलक आए। कद 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 हो गया उन्होंने, कद कद गद गद सॉरी गद गद गले लगा लिया उन्होंने। युधिष्ठिर के शरीर पर पड़ा एक एक डंडा उनके शरीर पर मन पर पड़ा। अच्छा, बहुत देर तक गुरु द्रोण प्रेम भाव से आंसू बहते रहे। मैं जो करा पढ़ रही, जो मास्टर भी नहीं पढ़ रहा, बात तो पढ़ ली उसका आगे फिर इंडिया बात नहीं पढ़ाएगी अंकल फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। अरे कहाँ गए आज सुबह तेरे? देख रहे गए नहीं, दृश्य को देख रहे थे। पढ़ भी रहे ढंग में सॉरी नहीं ना पढ़ रही ढंग। हाँ ये रोज पढ़ोगे ना, रोज इसकी किताब दस बहुत किसी गुरु के मुख से केवल इतना बेटा रोज नहीं कभी कभी पढ़ता है। सही पाठ को तुमने ही याद किया, कंफ्यूजन होता सत्य और धर्म की रक्षा करता हुआ तू इतिहास में अमर रहोगा, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। कौन सा आशीर्वाद दिया था गुरु? अच्छा गुरु जी ने किस पर डंडे बरसाए युधिष्ठिर पे? कौन सा आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर? भूल गई जल्दी आशीर्वाद। अच्छा तू इतिहास में अमर होगा, ये है खै। अच्छा संसार का प्रत्येक महापुरुष कैसे मान होगा चाहिए वो भी देखूंगी।